अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। सोशल मीडिया पर दुनिया की पहली बाहिम्मत और बाहिजाब पाकिस्तानी खातून पायलट का एक वाकिया गर्दश कर रहा है, जिसे पढ़कर आप भी पाकिस्तान की इस बहादुर बेटी पर फख्र करेंगे। डॉक्टर शहनाज लगारी कहती हैं कि मैंने जिस गिरागराने में आंख खोली वहाँ हिजाब लिबास का हिस्सा समझा जाता है। सो शुरू ही से हिजाब लिया। हाँ, शहूरी तौर पर हिजाब की समझ आज से 15 साल पहले आई, जब खुद कुरान पाक को अपनी आंखों से पढ़ना और समझना शुरू किया। हम जिस माहौल में परवान चढ़े वहाँ हया और हिजाब हमारी गठियों में डाला गया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हिजाब बोझ नहीं लगा। हिजाब की वजह से कभी कोई परेशानी या रुकावट नहीं आई, बल्कि मेरा तजुर्बा कुरान की इस आयत के मुतरादिफ रहा, तुम पहचान ली जाओ और सताई ना जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हिजाब ने मेरी राह में कभी कोई मुश्किल नहीं खड़ी की, बल्कि मैंने इसकी बदौलत हर जगह इज्जत और एहतराम पाया। एक वाकिया सुनाना चाहूँगी। परवेज़ मुशर्रफ दौर में पाक फ़ौज की एक्सपो 2001 मुनक्कद हुई थी। ये एक बड़ी गैदरिंग थी। इसकी तकरीब में वाहिद बाहिजाब में ही थी। कुछ ख्वातीन आफिसर्स की बेगमात ने इशारे कनाइयों में एहसास दिलाया कि ऐसी जगहों पर हिजाब की क्या ज़रूरत। मैं मुस्कुरा दी। कुछ देर में जनरल मुशरफ ख्वातीन से सलाम करने लगे। ख्वातीन जाती, उनसे हाथ मिलाती, उनके साथ लग लग कर तस्वीर बनाती। मैं कुछ अंदर से घबराई हुई थी। इसी असना में जनरल मुशरफ मेरी जानिब मुड़े, मुझे हिजाब में देखा तो अपने दोनों हाथ कमर पर बांध लिए और जापानियों के तरीके से सलाम किया और 3 बार झुक कर मुझे सलाम किया। और ख्वातीन का मजमा मेरी जानिब हैरत से तक रहा था। मेरी आंखों में नमी और फिजाओं में मेरे रब की गूंज सुनाई दे रही थी।